नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्ती करने के आदेश दे दिए हैं। अब लोगों को बिना मास्क बाहर निकलना भारी पड़ सकता है। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ साथ प्रशासन ने आज गाड़ी के कागजात के साथ साथ हेलमेट न पहनने वालों पर भी सख्ती दिखाई। देश में कोरोना की तीसरी लहर अपना असर दिखाने लगी है। हरियाणा में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। कोरोना के केसों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अम्बाला में पिछले चार दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के चलते प्रशासन की ओर से सख्ती भी की जा रही है। अब लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। प्रशासन ने आज लोगों को सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया। उन्होंने लोगों को समझाया कि हेलमेट डालना उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने ये सख्ती दिखाई है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इसलिए मजबूर होने ज़्यादा से ज़्यादा चलान काटने पड़ रहे हैं ताकि लोग सब मास्क पहन कर चलें और इस कोरोना से बचें। हम सबको जागरूक कर रहे हैं और कि अपना मास्क लगाओ और वाहन चलाओ, ऐसे मत चलाओ ताकि आपको कोरोना हो तो दूसरे भाई को ना हो। इसलिए मास्क लगाओ, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने तकरीबन काट दिए होंगे 8-9 चलान काट चुके हैं। हाँ जी, जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाओ और कोरोना से बचो। अब एक बीमारी और आ चुकी है ओमिक्रॉन, जो काफ़ी गंभीर बीमारी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाओ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।